बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हरियाणा से ही निकला है, लेकिन लगता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस नारे को भूल चुके हैं। तभी तो उन्होंने महिलाओं के रेप पर ऐसा बयान दे दिया है जिसकी चौतरफा निंदा हो रही है। दरअसल खट्टर ने बयान दिया कि रेप और छेड़छाड़ के 80 से 90% घटनाएं जानने वाले ही करते हैं। इससे भी बढ़कर खट्टर ने तो रेप की शिकार लड़कियों पर गंभीर आरोप लगा दिया कि ऐसी लड़कियां पहले तो इकट्ठा घूमती हैं और जब आपस में अनबन हो जाती है तो रेप का FIR करवा देती हैं। खट्टर का यह शर्मनाक बयान हरियाणा सरकार की महिला सुरक्षा पर गंभीरता को बयां करता है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बार फिर विवादित बयान दे दिया है, एक तरह से महिलाओं को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है रेप की घटनाओं को। रेप की बड़ी घटनाएं जो होती हैं उसका जो इतना प्रचार होता है कि इस समय रेप बढ़ गए हैं, रेप बढ़े नहीं है, पहले भी होते थे आज भी होते हैं, चिंता बड़ी है। और सबसे बड़ी चिंता यह है कि ये घटनाएं जो है रेप की है छेड़खानी की है ये 80 से 90% लड़कों के बीच में होती है, एक दूसरे को जानते हैं। बहुत घटनाएं तो ऐसी होती है काफी समय तक इकट्ठे घूमते रहते हैं और एक दिन थोड़ी अड़बड़ हो गई उस दिन उठा करके और FIR करा देते हैं, क्या इसने मुझे रेप किया। तो सुना आपने मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री ये कहते हुए कि रेप की घटनाएं तो पहले भी होती थी, बढ़ी नहीं है, अब हुआ यह है कि FIR ज्यादा हो रही है क्योंकि लड़के लड़की पहले इकट्ठा घूमते हैं उसके बाद अनबन हो जाती है तो लड़की FIR करा देती है। और इस बयान के बाद फंसे CM मनोहर लाल खट्टर ने अब अपनी सफाई दी है। खट्टर ने कहा है कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि सहमति से रेप होते हैं। बयान देकर बुरे फंसे खट्टर ने कहा कि रेप के मामलों की जांच रिपोर्ट में ऐसी बातें सामने आई है। तो पहले विवादित बयान दिया और उसके बाद सफाई दी है मनोहर लाल खट्टर में। खट्टर ने उन्होंने कहा कि मैंने ये बयान नहीं दिया, जांच रिपोर्ट में ऐसी बात सामने आती है। सहमति मैंने नहीं कहा है, मैंने ये कहा कि बिटवीन नोन्स हो रही है और ये मेरी ओर से कही गई बात नहीं है, ये एक जितने इन्वेस्टिगेशन हुए हैं उसके अंदर आने वाला ये फैक्ट है कि बहुत से लोग ऐसे हैं एक दूसरे को जानते हैं और ये एक दुर्भाग्यजनक स्थिति है, ये इसको सामाजिक तौर पर हमको डील करना चाहिए, इन सब चीज़ों में से राजनीति में देखनी चाहिए। और खट्टर के ऐसे बयान पर कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस प्रवक्ता ने खट्टर के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है और माफी मांगने की मांग की है। रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा आपको बताते हैं। महिला विरोधी खट्टर सरकार करे बेटियों का तिरस्कार, हरियाणा के CM खट्टर जी की निंदनीय टिप्पणी। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला आगे ट्वीट करते हैं, बढ़ते रेप व गैंगरेप की घटनाओं का दोष महिलाओं के चरित्र पर मढ़ना बेहद शर्मनाक, माफी मांगे CM। और इस वक्त BJP से हमारे साथ जुड़ गए हैं जवाहर यादव, उनसे हम बात करेंगे। जवाहर जी, मुख्यमंत्री की सोच, महिला विरोधी सोच जो हमने सुनी वो तो सबके सामने है, लेकिन इस पर कांग्रेस ये कह रही है कि मुख्यमंत्री अब माफी मांगे, क्या मांगेंगे माफी? मैं दोनों विषयों को कहूंगा अगर आप मुझे समय देंगे तो। एक तो आपने कहा कि मुख्यमंत्री की महिला विरोधी सोच है, ये 100% आपके शब्द गलत है, मैं तथ्यों के साथ बता सकता हूँ। महिलाओं के प्रति मुख्यमंत्री कितने संवेदनशील है, रेप और छेड़छाड़, हरियाणा पहला प्रदेश है जिसमें मुख्यमंत्री ने 12 जुलाई 2018 को कहा कि रेप के मामले में 30 दिन में और छेड़छाड़ के मामले में 15 दिन में इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी चाहिए। अगर हम अक्टूबर तक के हमने आंकड़े लिए हैं, परंतु उसमें 30 दिन छोड़ दे तो भी 77% केसों में हम 30 दिन में जवाहर जी के पिछले जवाहर जी मनोहर लाल खट्टर ने यह कहा है कि महिलाएं पहले तो साथ घूमती हैं, जब अनबन हो जाती है तब वो FIR कर देती है, तो एक तरह से महिलाओं को तो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो महिला विरोधी सोच नहीं है तो क्या है? मैं इसका आग्रह दे रहा हूँ। अरे जवाहर जी, मैं आपका जवाब लूंगी। हमारे साथ कांग्रेस से प्रियंका चतुर्वेदी भी इस वक्त मौजूद है। प्रियंका जी, मैं आऊंगी आपके पास, पहले जवाहर यादव से उनका जवाब ले लेते हैं। देखिए, इन्होंने ये कहा, हमारे पास जनवरी से लेकर अभी तक 1495 FIR दर्ज हुई जिसमें से 1405 में परिचित व्यक्ति था जो कि 93% की फिगर बनती है। इसमें से 340 केस कैंसिल हो गए इसलिए कि या तो वो फर्जी थे या वो बाद में सहमति के आधार पे थे जिसको उन्होंने मान लिया कि जी ऐसी नहीं थी, हमने गलती में जल्दबाजी में बयान दे दिए थे, ये उन्होंने कहा। फिर दूसरा भी आपने रणदीप सुरजेवाला जी का बयान बताया, उस पर भी मैं टिप्पणी कर देता हूँ क्योंकि बाद में प्रियंका जी को जवाब देने में आसानी रही।
मैं आपको याद दिलाता हूँ, 9 अक्टूबर 2012 हुड्डा साहब की सरकार थी हरियाणा में, और केंद्र में कांग्रेस के साथ एक 12 साल की दलित बच्ची के साथ रेप होता है। श्रीमती सोनिया गांधी हरियाणा में आती है मानीखेड़ा गांव में, और ये कहती है कि ऐसी घटनाएं अन्य प्रदेशों में भी होती रहती है। मैं सोनिया गांधी की स्टेटमेंट बता ठीक है जवाहर जी। प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। प्रियंका, आपने सुना जवाहर यादव को, हरियाणा के मुख्यमंत्री का ये बयान आपने सुना ही होगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि महिलाएं अनबन होने के बाद FIR करा देती है, कैसे देखती है आप इस बयान? वो महिला विरोधी जो मानसिकता है आए दिन इनकी जो शब्दावली है उसमें स्पष्ट होती जा रही है, जाहिर होती जा रही है। और खट्टर सरकार जो रही है, यहाँ तक कि ये तक बोलना कि पर्दा करना आन बान शान होता है हरियाणा का, ये ना कि महिलाओं को अगर अधिकार चाहिए बगैर कपड़ों के घूमने चली जाए, अब आकर महिलाओं पे दोष मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रेप की कांड होते हैं वो इसलिए होते हैं कि पहले वो दोस्ती करती हैं और जब अनबन हो जाती है, तो यानी आपने अपनी महिला विरोधी जो मानसिकता है वो साबित कर दी है। और आज मुझे इतना दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है कि उनके प्रवक्ता आकर यहाँ पर सफाई देने का काम कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य हो, महिलाओं पे दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं और इस पे भी आप जिम्मेदारी महिला के सर पे ठोक देते हैं, तो दिखाता है कि आज कोई भी महिला हरियाणा की जी। तो प्रियंका, आप ये कह रही हैं कि इससे मनोहर लाल खट्टर की, हरियाणा सरकार की महिला विरोधी सोच सामने आती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है कि मनोहर लाल खट्टर ने इस तरह का विवादित बयान दिया है। वो पहले भी कह चुके हैं कि रेप से बचने के लिए महिलाओं को ढंग के कपड़े पहनने चाहिए, और अब एक और विवादित बयान जिस पर उन्होंने अब दे दी है सफाई। उन्होंने कहा मैंने ऐसा नहीं कहा, जांच रिपोर्ट में ऐसी बातें सामने आती है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ये है ABP News, आपको रखे आगे।